बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इंटीग्रेशन। और अभी तक हम इंटीग्रेशन में हमने थ्योरम से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ फार्मूलाज हमने अप्लाई किए, कुछ सब्स्टिट्यूशंस यूज़ की हमने इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस की। तो अब हम एक नया मेथड देखते हैं जिसके थ्रू हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे डिफरेंट फंक्शंस की, ठीक है। तो कुछ ऐसे फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं जिनका हम यानी कि जिनके ऊपर हम थ्योरम्स अप्लाई नहीं कर सकते या सब्स्टिट्यूशन यूज़ नहीं कर सकते उनको इंटीग्रेट करने के लिए। सपोज मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखने जा रहा हूँ। एक फंक्शन हमारे पास आ जाता है एक्स कॉज ऑफ एक्स या फिर कॉज ऑफ एक्स इंटू एक्स, ठीक है। ये एक हमारे पास फंक्शन है, तो इसको अगर हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे हम? क्या यहाँ पर कोई यानी कि इसके ऊपर हम कोई थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? सपोज अगर इसको फंक्शन कंसीडर किया जाए, कौन कौन से थ्योरम हमने पढ़े हैं? एक फंक्शन हो, उसकी पावर एन हो, ठीक है, साथ में वो फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है। ये वाला थ्योरम इस फॉर्म में है क्या? ये अगर इसको फंक्शन कंसीडर करें तो क्या ये इसका डेरिवेटिव है? नहीं, ठीक है। या फिर हमने कौन सा थ्योरम पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में फंक्शन मौजूद हो और उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है, तो उसका हम यानी कि इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ थ्योरम अप्लाई करके। तो ये थ्योरम्स हमने कुछ पढ़े थे। उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ी थी, 3-4 सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी जिसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, ठीक है। ये फॉर्म भी नहीं यहाँ पर बन रही, या फिर सिर्फ अकेला यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। कॉस का साइन एक्स होता है इंटीग्रल और साइन का माइनस कॉस होता है, यहाँ पर कॉस है एक्स का जो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, लेकिन ये दो फंक्शंस यहाँ पर आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसके लिए हम इसको किस तरह से इंटीग्रेट करें? अभी तक तो हमने कोई ऐसा मेथड नहीं देखा या कोई फार्मूला या कोई थ्योरम या कोई सब्स्टिट्यूशन ऐसी नहीं देखी कि जिसकी मदद से हम इसको इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शंस जब हमारे पास आ जाते हैं, मतलब कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो उसका इंटीग्रल फाइंड करना हो हमने, तो हम किस तरह से करते हैं वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, वो तो अभी तक आपको समझ आ चुकी होगी कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं और दोनों का एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन रहता है, ठीक है। तो उसी डेरिवेटिव की मदद से ही हम इसका यानी कि कोई फार्मूला देखते हैं या कोई मेथड देखते हैं कि हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रल फाइंड कर सकें। चले पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस क्या होता है। सपोज एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, पहला फंक्शन लिए, ठीक है, और दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं जी ऑफ एक्स। ये दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसका पहले हम डेरिवेटिव देख लेते हैं क्योंकि हम ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो बाद में इसी से हम इंटीग्रल की तरफ आएंगे। तो ये है फंक्शन पहला और ये जी ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका हम डेरिवेटिव देखते हैं किसके इक्वल होता है। ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन के टॉपिक में और उस चैप्टर में, तो मैं डायरेक्ट उसका फार्मूला ही लिखूंगा। पहला फंक्शन एज इट इज़ हम लिख देते हैं, साथ में फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं जी प्राइम ऑफ एक्स से, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और साथ में दूसरा फंक्शन एज इट इज हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है प्रोडक्ट रूल जिसे कहा जाता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल जिसे कहा जाता है। तो यहां से आप देखें, अगर मैं इस टर्म को उठाकर मैं लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ और इस टर्म को उठाकर मैं राइट साइड पर ले जाता हूँ तो क्या होगा? चलो देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ प्राइम ऑफ एक्स बल्कि यहाँ पर पहले इस पॉजिटिव टर्म को लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ d by dx of f of x into g of x और साथ में आ जाएगा माइनस f prime of x into g of x।
ठीक है, या फिर आप सिंपली यूँ समझ लें कि मैंने ये टर्म जो है एफ प्राइम ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को मैं लेफ्ट साइड पर लेकर गया हूँ। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है कि प्रोडक्ट रूल हमने डेरिवेटिव का लिखा, ठीक है, डिफरेंशिएशन में जो प्रोडक्ट रूल हम पहले पढ़ चुके हैं वही मैंने लिखा। उसके बाद हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया कि इस टर्म को मैंने यानी कि इस साइड पर रहने दिया और दूसरी टर्म मैं उसके साथ ले गया, ठीक है, लेफ्ट साइड पर अगर ले गया तो ये बन जाए डेरिवेटिव ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू फंक्शन एंड माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये टर्म बन जाती है। तो लेफ्ट साइड राइट साइड भी मैंने लिख दी और राइट साइड लेफ्ट साइड भी लिख दी। तो सिंपली हमने यहाँ पर अभी तक रीअरेंज किया है प्रोडक्ट रूल लिखने के बाद। अब हम अपना फोकस देखते हैं, हमारा फोकस क्या था। हमने तो देखना था प्रोडक्ट ऑफ दी टू फंक्शंस का इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ये हमने देखा था। ठीक है, सपोज ये दो फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स और जी प्राइम ऑफ एक्स, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने तो दो फंक्शन यानी कि उनका प्रोडक्ट तो है यहाँ पर लेकिन इंटीग्रल नहीं है, हमने तो इंटीग्रेशन देखनी है ना, इंटीग्रल इंटीग्रल या इंटीग्रेशन ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो ऐसा करते हैं कि हम इंटीग्रेशन दोनों साइड पे ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों साइड पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रल साइन डालना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दोनों टर्म्स का, यानी कि ये दो टर्म्स हैं इन दोनों का इंटीग्रल हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और ये ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं। और इंटीग्रल जब हम फाइंड कर रहे हैं तो साथ में किसकी रिस्पेक्ट से फाइंड कर रहे हैं वो भी लिखना पड़ता है। तो चलें x का फंक्शन है, दोनों x के फंक्शन है, तो dx की रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरह से राइट साइड भी है, हमने राइट साइड लेफ्ट साइड भी है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी हम विद रिस्पेक्ट टू dx लिखते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड तो सिंप्लीफाइड ही है लेकिन राइट साइड को थोड़ा सा हम चेंज करके लिखते हैं। चलिए लेफ्ट साइड उसी तरह से हम उतार लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट्स हम ओपन करते हैं। देखें यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन हैं, फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकेंड फंक्शन फंक्शन नहीं बल्कि ये टर्म हम इसे कहेंगे, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, दो टर्म या दो फंक्शन आपस में यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं इस केस में, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो हम क्या करते हैं उन दोनों का इंटीग्रल फाइंड करना हो, ठीक है, तो हम उनका सेपरेट सेपरेट इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहला फंक्शन या पहली टर्म मैं लिख लेता हूँ डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स टू जी ऑफ एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रल ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हो जाएगा माइनस फिर इंटीग्रल साइन, और सेकेंड टर्म जो है एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स dx। यहां से देखें तो ये तीनों टर्म्स, एक d बल्कि चार टर्म्स हैं, d और dx है, एक f of x है, एक g of x है और एक dx है, ये चार टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये dx डिनोमिनेटर में है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, और ये ऊपर न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये दोनों तो चले आपस में कैंसिल आउट हो गए, उसके अलावा ये डेरिवेटिव है, ठीक है, डी डिफरेंशियल कह सकते हैं, डिफरेंशियल और ये इंटीग्रल साइन है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, यानी कि आपस में जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो इनवर्स टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स फंक्शन बच गए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पहले उसी तरह से मैं उतार लेता हूँ, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एफ ऑफ एक्स यहाँ पर बचा था एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, चले हम ऐसा करते हैं कि इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं कि जी ऑफ एक्स को पहले मैं लिख लेता हूँ जी ऑफ एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है प्रोडक्ट इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शंस। ठीक है, कोई से भी दो फंक्शंस हो आपके पास और वो उनका आपस में प्रोडक्ट हो, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हो आपस में, ठीक है, तो उसका आपने इंटीग्रल फाइंड करना हो तो वो किसके इक्वल है, ये फार्मूला है हमारे पास।
इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सपोज हम इसे कहते हैं कि ये f(x) जो है, यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे भी देखें तो ये f(x) है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन अगर हम इसको कंसिडर करें, सपोज इसको हम मैं कह देता हूँ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ ये क्या है सेकंड फंक्शन, और राइट साइड पर आते हैं अब जो हमारा फार्मूला है f(x) ये फर्स्ट फंक्शन ही है, ठीक है, उसी तरह से फर्स्ट फंक्शन और g(x) क्या है, जहां पर सेकंड फंक्शन तो g'(x) है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ g(x) है, और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला में g(x) है, मतलब कि g(x) और g'(x) का आपस में क्या रिलेशन है पहले तो ये देखना पड़ेगा। g(x) अगर आप देखें हमें तो गिवन है, यानी कि जो गिवन तो ये चीज़ होगी ना, हमें लेफ्ट हैंड साइड जिसका हमने इंटीग्रल फाइंड करना है, तो g'(x) अगर हमारे पास है, g'(x) हमने g(x) फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ तो अभी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम डेरिवेटिव्स भी पढ़ चुके हैं और अब हम इंटीग्रल पे आ चुके हैं, इंटीग्रेशन हमने काफ़ी पढ़ देख चुके हैं, इंटीग्रेशन का बेसिक्स देख चुके हैं कि इंटीग्रेशन होती क्या है, ठीक है, तो अगर हमारे पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो और हमें उसका ओरिजिनल फंक्शन चाहिए हो तो हम किस तरह से फाइंड कर दें, इंटीग्रेशन से, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका इंटीग्रल फाइंड करूँ, इंटीग्रल ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू आएगा जी ऑफ एक्स प्लस सी आप कह लें या जी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, तो मतलब कि इन दोनों का फिर आपस में क्या रिलेशन हुआ, जी प्राइम ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का, कि ये इसका इंटीग्रल फाइंड किया जाए तो जी ऑफ एक्स आता है, मतलब जी ऑफ एक्स इसके इक्वल है, तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ इसको कह देता हूँ इंटीग्रल, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, माइनस का साइन है, फिर इंटीग्रल साइन है, ठीक है, और यहाँ पर जी ऑफ एक्स, दोबारा से जी ऑफ एक्स आ गया, जी ऑफ एक्स और जी प्राइम ऑफ एक्स का रिलेशन हमने देख लिया था कि जी ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, इंटीग्रल ऑफ दिस सेकेंड फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, अच्छा अब लास्ट टर्म जो है एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है, हमने सब इसकी रिस्पेक्ट से देखना है जो हमें गिवन है, गिवन क्या है लेफ्ट साइड गिवन है, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स अगर हमें गिवन है, हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करना है, मतलब कि एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स है, मतलब एफ ऑफ एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड किया जाए तो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अगर हम यहाँ से यानी कि बाय पार्ट्स का फार्मूला मैं यहाँ देखना लिखना चाहूँ या देखना चाहूँ, हमने यहाँ पर देखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये उसका फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आपने उतार देना है, ठीक है, और सेकंड फंक्शन का आपने इंटीग्रल फाइंड कर लेना है जो भी आपको सेकंड फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो और माइनस का साइन, उसके बाद फिर इंटीग्रल का साइन आपने डालना है और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और साथ में उस आपने मल्टीप्लाई कर देना है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे, उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर करके लिखना चाहूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स और जी प्राइम ऑफ एक्स और ये हमारे पास है इंटीग्रल साइन डी एक्स इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स, इसी की फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, जो जो यहाँ पर मौजूद है एफ ऑफ एक्स मौजूद है और जी प्राइम ऑफ एक्स मौजूद है, जी ऑफ एक्स मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा इंटीग्रल जी ऑफ एक्स किसका इक्वल है, इंटीग्रल ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि जो हम मेरे लेफ्ट साइड पे गिवन है वही फंक्शंस मैं यहाँ पर यूज करूंगा, उसके बाद माइनस साइन है, फिर इंटीग्रल का साइन है और जी ऑफ एक्स दोबारा से आया, मतलब कि जी ऑफ एक्स इक्वल है जी प्राइम ऑफ एक्स के,
prime of x into f prime of g prime of x का integral और with respect to dx होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ dx ठीक है, और साथ में फिर into f prime of x और साथ में dx ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज उसके साथ जो है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन का साइन, मैं इसको थोड़ा इंटीग्रेशन के साइन को थोड़ा सेपरेट करके आपके थोड़ा क्लियर हो जाए ठीक है, इंटीग्रल का साइन और फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ठीक है। तो ये है बाय पार्ट्स का फार्मूला, आपने ये माइंड में रखना है ठीक है। इसको मैं ज़रा मेंशन कर देता हूँ सही तरह से, क्लियर करके प्रोमिनेंट कर देता हूँ ठीक है। तो ये हमारे पास है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कोई भी आपके पास अब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो, तो आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना, यानी कि अगर एक ये केस भी होता है ना, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सपोज मैं कहता हूँ कि कॉस ऑफ एक्स है और उसके साथ क्या है माइनस साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है, एक फंक्शन ये है कॉस ऑफ एक्स, एक फंक्शन है माइनस साइन ऑफ एक्स, तो इसका आपने अगर इंटीग्रल फाइंड करना हो, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी हो, तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। तो देखें ये पहला फंक्शन जो है कॉस ऑफ एक्स है और दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन का डेरिवेटिव है, मतलब cos of x का अगर आप डेरिवेटिव लें तो माइनस साइन ऑफ x आता है ना। पहला फंक्शन f of x आप कंसिडर करें, इसको f prime of x करें, तो ये तो हम इसके ऊपर वो पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि cos square x divided by 2 ठीक है, या फिर हम इस तरह से एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि एक आपके पास है x square और साथ में आप ये मौजूद है 2x ठीक है, x square 2x, ये दो फंक्शन है, इसका आपने इंटीग्रल लेना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या करेंगे, आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, मतलब कि पहले आपके पास ये फंक्शन मौजूद है उसके साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो एक्स क्यूब बाय थ्री इसका इंटीग्रल आएगा ठीक है। मतलब कि मैं इस केस की बात नहीं कर रहा कि जिसमें एक फंक्शन हो और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, ये भी तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, लेकिन इसमें फंक्शन का उसके डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट है ठीक है। तो इस केस में आप बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप यही पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। तो हमने सिर्फ वहाँ पर अप्लाई करना है जहाँ पर दोनों फंक्शंस का आपस में कोई रिलेशन ना हो, मतलब कि एक दूसरे के वो डेरिवेटिव या इंटीग्रल ना हो, जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल ली थी कि एक्स कॉज ऑफ एक्स, एक्स कॉज ऑफ एक्स, ये एक यानी कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन एक्स है और एक कॉज ऑफ एक्स है, इसका आपने इंटीग्रल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब यहाँ से देखें कोई एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव नहीं है या कोई एक फंक्शन एक दूसरे का इंटीग्रल नहीं है ठीक है। तो इस केस में आपने बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए था कि हम बाय पार्ट्स कहाँ पर अप्लाई करेंगे ठीक है। शुरू में मैंने कहा था कि सिर्फ आपने देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो ठीक है, तो आप वहाँ पर बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, लेकिन साथ में आपने ये भी देखना है उस प्रोडक्ट में कोई एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए ठीक है। वहाँ अप्लाई तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब कि आसानी ये रहेगी कि वहाँ पर पावर रूल अप्लाई किया जाए। तो इसका हम यानी कि इसके ऊपर बाय पार्ट्स अप्लाई करके देख लेते हैं, तो क्या आता है, सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो है बाय पार्ट्स का क्या फार्मूला था वो मैं लिख लेता हूँ, या फिर हमने ऊपर लिखा भी हुआ है ये ठीक है। पहला फंक्शन उसी तरह से, मतलब कि अगर आप इसको कंपेयर करें, ये पहला क्या है एफ ऑफ एक्स है, मतलब कि हम कह देते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स के ठीक है। इसी तरह से दूसरा फंक्शन जी प्राइम ऑफ एक्स है, जी प्राइम ऑफ एक्स या जी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू दूसरा फंक्शन है, तो दूसरा फंक्शन इस केस में क्या है कॉस ऑफ एक्स, यानी कि दोनों की लेफ्ट साइड्स को मैंने कंपेयर कर लिया ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे x f of x मैंने उसे कह दिया, और सेकंड फंक्शन क्या है cos of x, जो कि हमारे बाय पार्ट्स के फार्मूला में
जी प्राइम ऑफ एक्स होता है, तो हमने लिख दिया। अच्छा, अब हमने बाय पार्ट्स के फार्मूला में अप्लाई यानी कि पुट करना है, तो पहला फंक्शन तो उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या है, इंटीग्रल ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स। चले, हमें इंटीग्रल भी चाहिए होगा, मैं यहाँ पर इंटीग्रल भी फाइंड कर लेता हूँ। इंटीग्रल ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर भी डी एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो डी एक्स, अच्छा जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ एक्स के, ठीक है, जो के इक्वल होगा किसके, साइन ऑफ एक्स के, ठीक है। कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रल या इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन ऑफ एक्स होता है। अब उसके अलावा हमें क्या चाहिए, पहला फंक्शन हो गया, फिर इंटीग्रल ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स भी हमने देख लिया ये है, और एफ प्राइम ऑफ एक्स भी हमें चाहिए, ठीक है। लास्ट स्टेप जो है, एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स के, यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि दोनों साइड में मैंने इसके डेरिवेटिव ले लिया, ये टर्म इस तरह से और ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन। तो ये हमें यानी कि सब की सब वैल्यूज मैंने बाय पार्ट्स वाले फार्मूले को देख कर फाइंड कर ली है, ताकि हम अब सिंपली क्या करें कि बाय पार्ट्स के फार्मूला में पुट कर दें। चले, हम यहीं पर पुट कर देते हैं कि इंटीग्रल, चले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर है इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। इसको मैं इस तरह से भी लिख देता हूँ कि ये फर्स्ट फंक्शन, ये एक्स को हमने एफ ऑफ एक्स का, कॉज ऑफ एक्स को जी प्राइम ऑफ एक्स का, साथ में क्या है डी एक्स इज इक्वल टू, पहला फंक्शन उसी तरह से आ जाएगा, पहला फंक्शन क्या है, एक्स है, ठीक है, एक्स है ना यहाँ पर, तो ये मैंने एक्स उतार दिया। उसके बाद क्या है, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन ये है कॉज ऑफ एक्स, यहाँ पर जी प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का हमने यहाँ पर इंटीग्रल फाइंड भी किया था, यानी कि कॉज ऑफ एक्स का इंटीग्रल क्या है, साइन ऑफ एक्स, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एक्स, या फिर हम पहले जनरल लिख रहे हैं कि इंटीग्रल साइन लिख रहे हैं, और साथ में क्या है, कॉज ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर इंटीग्रल ऑफ कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल डी एक्स इन टू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, एफ प्राइम ऑफ एक्स है तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है, ये आ गया, और साथ में डी एक्स इस इंटीग्रेशन का साथ में मौजूद है। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, उसी तरह से आ गया, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, कॉज ऑफ एक्स का साइन ऑफ एक्स है जो कि हमने पहले फाइंड किया, साइन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल साइन, और कॉज ऑफ एक्स का हमने क्या लिखा था, इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स, ठीक है, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन, साइन ऑफ एक्स इंटू वन, और डी एक्स इस इंटीग्रल का। अच्छा, आप मजीद देखें, इसमें इंटीग्रल साइन अभी भी आ रहा है, टोटली अभी तक ये यानी कि कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ, तो अब हम ऐसा करते हैं, ये एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू वन, साइन ऑफ एक्स ही होता है, और साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉज ऑफ एक्स, ठीक है, और साथ में प्लस सी लिख देते हैं, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन फाइंड किया है और इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि एक्स कॉज ऑफ एक्स का इंटीग्रल हमने फाइंड किया डी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट से, जो कि इक्वल आया एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस माइनस से, ये चलें हम ऐसा करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस कॉज ऑफ एक्स प्लस सी। इस तरह से हमने बाय पार्ट्स को यूज करते हुए एक्स कॉज ऑफ एक्स का इंटीग्रल फाइंड किया। एक्स कॉज ऑफ एक्स क्या है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, कौन से ऐसे दो फंक्शन जो एक दूसरे, यानी कि कोई एक उसमें से दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये था बाय पार्ट्स, अब हम यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। बाय पार्ट्स उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा, तो नेक्स्ट में हम जो है मज़ीद देखेंगे कि बाय पार्ट्स को कहाँ और हम अप्लाई कर सकते हैं।